हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पेनल्टी है। ठीक है, ये जो है पेनल्टी का पार्ट टू वीडियो है। इससे पहले मैं पेनल्टी का पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड कर चुकी हूँ, तो जिसने जो है पार्ट वन नहीं वॉच किया है वो जाकर पहले प्लीज़ वो वॉच कीजिए और देन ये वाली वीडियो वॉच कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है मैं उसका पार्ट वन का जो है लिंक दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेनल्टी। इसमें जो है मैं आपको अंडर रिपोर्टिंग के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो यहां पर हमें क्या दे रखा है कि एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो यहां इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग के बारे में ही बताऊंगी और जो है पेनल्टी के बारे में। मिस रिपोर्टिंग का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड करूंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है कि एज पर सेक्शन 270A के तहत द असेसिंग ऑफिसर और द कमिश्नर और द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर मे एज हैव द राइट दैट दे कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन डिफॉल्टेड पर्सन। अब यहां पर हमसे कह रहा है कि 270 जो सेक्शन है उसमें असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर जो कमिश्नर है मे एज हैव द राइट, उनके पास पूरा राइट है, अधिकार है दैट दे कैन इम्पोज पेनल्टी, कि वो जो है पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। किस पर? ऑन डिफॉल्टेड पर्सन, यानी किस पर्सन पर? डिफॉल्टेड पर्सन पर, जिसने कोई डिफॉल्ट किया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो अब हम जो है अंडर रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है अंडर रिपोर्टिंग। तो यहां पर हमें कुछ एस्पेक्ट्स गिवन है कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम के बारे में। तो पहला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि इफ इनकम टैक्स रिटर्न इज फर्निश्ड, अगर जो है इनकम टैक्स रिटर्न असेसी फाइल कर चुका है, ठीक है, फर्निश्ड कर चुका है, तो इफ इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय द असेसी एंड द इनकम असेस्ड एक्चुअली इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमाइन इन रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 143। तो इस पॉइंट का यही सीधा सीधा यही मतलब है कि जो भी एक्चुअल इनकम असेस्ड हुई थी असेसी की, उसने वो अमाउंट पे नहीं किया, जबकि जब उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसने अपनी इनकम को कम दिखाया, वहां पर कम शो करा। ठीक है, तो ये जो है एक डिफॉल्ट है, तो इसलिए जो है उस पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड, अगर जो है एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश्ड किया ही नहीं है, तो इस पॉइंट में क्या होगा कि इफ द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट, अगर जो है इनकम असेस की गई है वो ज्यादा है देन द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है, तो वो जो है नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि वो जो अमाउंट है वो टैक्स से चार्जेबल नहीं होगी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट में हमसे कह रहा है कि इफ इनकम रीअसेस्ड, अगर जो है हम इनकम का रीअसेसमेंट कर रहे हैं यानी कि दोबारा से उसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो द इनकम रीअसेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम असेस्ड और द लॉस और इमीडिएटली बिफोर सच रीअसेसमेंट। यहां पे इस पॉइंट में हमसे कह रहा है कि जब रीअसेस्ड की गई इनकम तो वो ग्रेटर निकलती है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर निकलती है देन द इनकम असेस्ड, तब जो है उस जो अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, जिस पर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, मतलब दोबारा से अगर रीअसेस करी तो ज्यादा निकल करके आई अमाउंट, और जबकि पहले जो असेस्ड की गई थी वो कम थी। ठीक है,
नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट इज असेसमेंट रिड्यूस द लॉस. वो कह रहा है कि असेसमेंट जो है वो लॉस को कम करती है. तो कैसे? द इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लॉस और कन्वर्टिंग सच लॉस इनटू इनकम. मतलब वो हमसे सीधी सी बात यही कह रहा है, जब हम इनकम को रीअसेस्ड करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो लॉस पे पड़ता है, या फिर जो है कन्वर्टिंग सच लॉस इनटू इनकम, या फिर जो वो लॉस होता है वो इनकम में ही जो है कन्वर्ट हो जाता है. तो ये तो हमने तीन चार बातें पढ़ी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के बारे में. अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी अमाउंट होती है अंडर रिपोर्टिंग इनकम, कौन सी वो अमाउंट होती है जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहलाती है. ठीक है, तो देखेंगे अब हम. सो यहां पर हमसे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग. तो क्या क्या उसमें इंक्लूड किया जाएगा वो देखेंगे. तो पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि इनकम हैज बीन असेस्ड फर्स्ट टाइम. अगर जो है इनकम हम फर्स्ट टाइम असेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? तो ये कह रहा है कि इन दिस केस देयर कैन बी फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. तो कुछ दो तीन जो है परिस्थितियां होंगी, दो तीन सिचुएशंस हो सकती है, तो वो क्या रहेंगी वो देखते हैं. सो द फर्स्ट इज इन द केस व्हेन इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड. मतलब कोई ऐसा केस है जिसमें इनकम टैक्स जो है रिटर्न वो फर्निश्ड किया जा चुका है, तो कौन सी अमाउंट जो है वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम कहलाएगी. कौन सी? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड एंड अमाउंट ऑफ इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143. अब इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो असेसी ने रिटर्न फाइल करी वहां पे उसने कम शो करी अपनी इनकम, और जबकि जो है इनकम बाद में जब असेस की गई, जो एक्चुअल इनकम थी असेसमेंट के दौरान वो ज्यादा थी, जबकि असेसी ने कम जो है रिटर्न फाइल करी. तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहलाएगा. ठीक है, अब यहां पे सेकंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि इन केस व्हेन इनकम टैक्स रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड. तो अब कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जिसमें जो है असेसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश्ड ही ना किया हो, तो उन केसेस में जो है कौन सी अमाउंट अंडर रिपोर्टिंग कहलाएगी तो वो देखते हैं. तो द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड इन केस ऑफ कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी. तो जो भी इनकम अमाउंट ऑफ इनकम जो है असेस्ड की जाएगी, चाहे वो कंपनी के केस में हो, चाहे वो फर्म के केस में हो, या चाहे वो लोकल अथॉरिटी के केस में हो, तो वही जो असेस्ड अमाउंट की जाएगी वही जो है अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कहलाएगी. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ अदर असेसी. मतलब अदर असेसी के केस में क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम असेस्ड एंड एग्जेम्पशन लिमिट. मतलब जो भी एग्जेम्पशन लिमिट होगी और जो भी इनकम असेस्ड की गई होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा हमारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम. ठीक है, नाउ अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट. ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, इनकम रीअसेस्ड. तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था, इनकम हैज बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब यहां पे जो है हम इनकम रीअसेस्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इनकम को दोबारा से असेसमेंट कर रहे हैं, उसका दोबारा से एस्टिमेशन कर रहे हैं. तो इसमें क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम रीअसेस्ड एंड द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड. सिंपल सा मीनिंग रहेगा कि पहले जो असेस की गई थी इनकम वो, और जो बाद में इनकम असेस की गई है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहलाएगा. अब बारी आती है क्वांटम ऑफ पेनल्टी. भाई कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में. ठीक है, तो इस केस में हमसे क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में जो आपकी क्वांटम ऑफ पेनल्टी यानी कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी वो क्या रहेगी, विल बी 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम. तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लो कि जो है अंडर रिपोर्टिंग इनकम मान लो निकल करके आई 100 रुपए, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. ठीक है, 100 रुपए निकल करके आई और जो है टैक्स उस पर बनता है 30 रुपए का. ठीक है, 30 रुपए का जो हो गया टैक्स, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ.
₹30 का अगर टैक्स बनता है तो जो है पेनल्टी कितनी लगेगी, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। तो टैक्स पेएबल कितना बना, ₹30, तो ₹30 का 50% कितना हुआ, ₹15। तो जो ₹15 है वो पेनल्टी कहलाएगी। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, अब कैसे टैक्स लगेगा वो देखेंगे। तो टैक्स शैल बी पेड ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम इन फॉलोइंग मैनर, तो टैक्स कैसे पे किया जाएगा वो देखते हैं। तो ए पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है कि वेयर नो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड एंड इनकम हैज बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब जो है रिटर्न फर्निश्ड नहीं हुआ है यानी कि कोई रिटर्न नहीं दिया गया है तो इनकम हैज बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो इनकम है वो फर्स्ट टाइम असेस की गई है, तब क्या होगा। तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम एज इंक्रीज्ड बाय द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज इफ इट वर द टोटल इनकम। अब इसमें हमसे सीधी सी बात यही बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड होगा वो अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो है लगेगा, ठीक है, और जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगी उस पे जो है वो चार्जेबल टैक्स जो है चार्जेबल नहीं होगा, जितनी इनकम जो है अंडर रिपोर्टेड इनकम बनती है उस पे जो है टैक्स चार्जेबल होगा, ठीक है, और अगर कोई भी अगर वो टोटल इनकम बन रही है तो, ठीक है। नाउ बी पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि वेयर टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143, तो 143 आपको पता है ना क्या होता है कि जब जैसे रिटर्न फाइल करते हैं उसी को उसके अंडर आता है ये सेक्शन 143। तो अगर जो है एसएससी की ने जो है रिटर्न फाइल करते टाइम जो भी उसकी टोटल इनकम डिटरमाइन की गई होगी तो और असेस्ड रीअसेस्ड जो भी उसकी रीअसेसमेंट पे आई होगी टोटल इनकम, ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी सिंपल सी बात उसने बोली है कि अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम एज इफ इट वर द टोटल इनकम, वो ये कह रहा है कि उसी अमाउंट पे जो है टैक्स कैलकुलेटेड होगा अंडर रिपोर्टेड इनकम पे अगर वो जो है टोटल इनकम रही होगी तो। नाउ सी पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, इन एनी अदर केस, अगर कोई दूसरा केस होता है तो कैसे जो है होगा। तो यहाँ पे हमें उसने एक फॉर्मूला दिया है a माइनस बी का, डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला हेयर a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या मतलब है, a कौन है यहाँ पे और b कौन है वो देखते हैं। पहले a के बारे में बोल रहा है, a कौन है, द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम एज इंक्रीज बाय द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143। ए के बारे में वो बोल रहा है ए में कि जो अमाउंट जो है टैक्स कैलकुलेटेड हुआ है अंडर रिपोर्टेड इनकम उसको किसमें जो है इंक्रीज किया जाएगा, मतलब ऐड किया जाएगा टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका क्या है। ये मान लो एक असेसी है, ठीक है, उसने जो है रिटर्न फाइल करी होगी, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं हम, ₹100 फाइल करी उसने इनकम, ठीक है। अब जो है अंडर रिपोर्टेड इनकम थी उसकी, उस पे जो है टैक्स कैलकुलेट होके आया उसका ₹30, ठीक है। तो अब उसने पहले कितनी थी उसकी जो है, उसने जो फाइल करी थी वो थी ₹100, और अंडर रिपोर्टेड इनकम पे कितना कैलकुलेट होके आया टैक्स, ₹30। तो 100 और 30 कितना हो गया, 130। तो ये है जो हमारा ए है वो, ठीक है। अब बी कौन है वो देखते हैं। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम, जो भी अमाउंट जो है टोटल इनकम में निकल करके आई होगी टैक्स कैलकुलेटेड, मान लो अब जो टोटल इनकम जैसे मैंने आपको बताया ₹100, ठीक है, तो वो जो है रहेगी। तो अब a माइनस बी का क्या था, a हमारा कितना निकला था ₹130 और b कितना निकला है ₹100, तो 130 माइनस ₹30 कितना हुआ, ₹100 कितना हुआ ₹30। तो ₹30 जो है हमारी अंडर रिपोर्टेड इनकम है, ठीक है। तो अब जो है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।